अच्छा लगा आपको भाई का लगाया हुआ मसाला। जायक है इसके लाजवाब चेहरा इसका बेमिसाल। अल मुनीब रेस्टोरेंट। थोड़ा सा और, साथ अम्मी भी खड़ी हुई आना कैमरे में, हाथ हिला दे। उस तरह की मार्केट में बड़ा मजा आता है मुझे घूमने में, तब लग रहा होता है कि हर चीज आपके बिल्कुल सामने है। वो जो आवाजें लग रही होती है ना, आ जाओ आ जाओ, ये ले लो भाई, ले लो ले लो, फील ही कुछ अलग है, वो आपको पाकिस्तान से बाहर कहीं नहीं मिलेगी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, इट्स मी मुनीब बर एंड वेलकम टू माय YouTube चैनल। आज का जो व्लॉग है गाइस, वो बिल्कुल ही आप समझेंगे एक तरह से फारिग व्लॉग, मतलब व्लॉग फारिग नहीं है, मैं फारिग था आज। मैंने सोचा कि क्यों ना आज को कुक किया जाए, कुछ बनाया जाए, टाइम को यूटिलाइज करते हैं। मैंने सोचा कि मौसम अच्छा हो गया यार, कराची में ठंड हो गई है, सर्दी हो गई है, तो क्यों ना सर्दी में जो सबसे अच्छा लगता है वो होता है बारबेक्यू। सर्दी है, बारबेक्यू करते हैं। इस वजह से आज मैंने एक अचानक ही प्लान बना लिया बारबेक्यू का, किसी को कुछ नहीं पता है। चिकन और मटन का मेरा प्लान है, चिकन टिक्का और मटन नमकीन बोटी बनाने का फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है। कुछ नहीं पता मटन के बारे में कैसे बनाते हैं इसको, लेट्स होप कि अच्छा बने। स्टे ट्यून्ड, बहुत मजा आने वाला है। अब मैं जाऊंगा बाहर से जाके लेकर आऊंगा वेजिटेबल्स वगैरह और जो इंग्रीडियंट्स होते हैं। स्टे ट्यून्ड। मुर्गी लेना भी एक आर्ट है भाई, खास तौर पे मार्केट से, और लेनी वैसे मार्केट से ही चाहिए, आपको अच्छे रेट और सही चीज का अंदाजा होता है। अभी मटन भी लेना है। लाओ भाई ऐसे दे दो यार, लाओ। थैंक यू भाईजान, बहुत शुक्रिया। कैसा है ड्रामा कलंदर, VIP एंड क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए बताओ, लड़की मिलनी चाहिए, एक या दो? दोनों। इसके ऊपर भी कट लगा देना तीन तीन, ताकि ये मटन रान भी ले ली गई है। जाने तो हमने ले लिए थोड़े से लीमू, और अब तकरीबन जो है वो हमारे इंग्रेडिएंट्स पूरे हो चुके हैं। नाउ लेट्स गो। जी गाइस, तो सीन कुछ यूं है कि चीजें मैं लेकर आ गया हूं, और अब मैं आ गया हूं पूरा वर्क मोड के अंदर। अच्छा, हमारे पास है बेसिकली 3 kg चिकन, और हमारे पास है अराउंड 1.5 kg ऑफ मटन, जो कि मैं आपको बहुत क्लोजली दिखाता हूँ। ये देखेंगे। अच्छा, थोड़ी सी जो चिकन का इशू ये हुआ कि चिकन थोड़ी सी बड़ी मिल गई है, लेकिन खैर है, कोई बात नहीं, हो जाएगी। और बाकी हमारे पास इंग्रेडिएंट्स में है, नमक है हमारे पास, अजवाइन है, जीरा है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं चिकन का। थोड़ा सा मटन को लेके, बिकॉज मटन जो है वो मैंने ये तो चलो चिकन टिक्के तो चलो पहली दफा मैं नहीं बना रहा, इससे पहले भी बना चुका हूँ मसाला, हाँ लेकिन पहली दफा जरूर लगा रहा हूँ। बट जो मटन है ना, वो उसको लेके मैं थोड़ा सा वो हूँ कंफ्यूज कि वो सही बन जाए, क्योंकि उसका मसाला जो है वो मैं और अम्मी भी हमारी जो है वो फर्स्ट टाइम ही कर रही है, वरना तो यूजली बारबेक्यू जो होता है वो आपको पता है बीफ में ही होता है, टेस्ट उसी में होता है।
मटन में लोग यूजुअली इसको नमकीन बोटी के स्टाइल से बनाते हैं, तो आज हम वो भी जरा ट्राई करेंगे नमकीन बोटी का स्टाइल। तो आज तो कार्डियो हो गया। अच्छा, मार्केट में बड़ा मजा आता है मुझे, जब भी मैं कभी मार्केट जाता हूँ ना, जो भी हमारे घर में के करीब तो कई एक दूसरी बाजार पड़ता है, जो भी जो सुपर मार्केट्स होती हैं, जो जो समझें कि पूरी एक किस तरह कहेंगे इसको, जो प्रॉपर मार्केट ही खाने पीने की, जहाँ हर चीज आपको अवेलेबल हो जाती है, गोश्त फल फ्रूट, उस तरह की मार्केट में बड़ा मजा आता है मुझे घूमने में। तो लग रहा होता है कि हर चीज आपके बिल्कुल सामने है, वो जो आवाजें लग रही होती है ना, आ जाओ बाजो, ये ले लो भाई, ले लो, वो फील ही कुछ अलग है, वो आपको पाकिस्तान से बाहर कहीं नहीं मिलेगी वो फील। अच्छा जी, तो अब इसमें मैं डालूंगा थोड़ा लेमन, मैंने डाल चुका हूँ, अब इसमें डालूंगा थोड़ा सा दही, और ये मैं इस पर जैसे डाल रहा हूँ क्योंकि अम्मी ने कहा था डालना। अब हम इसको करेंगे जी हैश, मैं अपने हैंड्स जरा वॉश करके आ जाऊं। जी दोस्तों, तो दही अब इसमें डल चुका है, मसाले भी अभी डाल देता हूँ। अच्छा जी, अब हम इसको करेंगे ऐसे करके मिक्स। कुकिंग स्किल्स जो है वो बहुत ही जबरदस्त हैं, जो भी आप थोड़ा ज्यादा जो भी हमारे घर पे खाना खाता है, बहुत सारे मेरे जो मीडिया के दोस्त हैं उनको मैंने अपने घर के सिदी पाए के लाए हैं, जो कि जिन्होंने बहुत बहुत ज्यादा पसंद किए, जिसमें से मोमल शेख है, वजाहत हुसैन उस ड्रामे में मेरे साथ थी, ये मैं यारिया की बात कर रहा हूँ, मैं यारिया में शगुफ्ता एजाज, इन सबको मैंने अपने घर के खाने के लाए थे, बड़ा पसंद आया इन्हें। सो थोड़ा मम्मी को भी बोलना पड़ता ना, वरना हेल्प। अच्छा जी, ये लग गया अम्मी, ये आ गई अजवाइन, ये चली गई जनाब अजवाइन। दुरूद शरीफ पढ़ के कर रहा हूँ कि बस सही हो जाए, क्योंकि मटन खराब हुआ ना तो फिर बड़ा मसला आ जाएगा, क्योंकि महंगा भी बहुत है। अच्छा जी, इस नमक हमने डाल दिया, अजवाइन डाल दी, जीरा डाल दिया, अब हमने डालना है इसमें थोड़ा सा तेल, ऑलिव ऑयल, ऑलिव ऑयल जरूर यूज करता हूँ मैं हर चीज में भाई, और ऑलिव ऑयल ही खाना चाहिए, सेहत के लिए भी बेहतरीन है। वैसे इससे पहले हम देसी घी खाते खाने वाले थे, लेकिन जब से मीडिया में आए हैं ऑलिव ऑयल पे आ गए हैं। तो दही अब इसमें डलेगा, एक दो बस, देखा, और अगर ये कोई समझ रहा है ना कि वहाँ से किसी ने इशारा किया कि बस, बिल्कुल गलत, ये मेरे खुद का फसल था। अच्छा जी, मिक्सिंग इज ऑन, मिक्सिंग इज ऑन, चलो जी। अच्छा, इसका जो है ना ये मसाला बड़ा मतलब वो वाला मसाला है, स्टैंडर्ड मसाला है, इसमें कोई स्पाइसेस नहीं है, इसका अपने ही टेस्ट होता है मटन का। थोड़ा सा गर्म मसाला भी डाल दें, फौरन मेरी बात की नफी हो गई, गर्म मसाला भी ऐड करना जी, थोड़ा सा कर देते हैं, बिल्कुल दही डालूं भी थोड़ा सा, और इसमें शक्ल अगर आप देख सकें, आयल दिया है थोड़ी सी शक्ल दिखाएं, ये इसका जो है वो थोड़ा सा वो हो गया है फेस, चिकन मेरी लग रहा है बिल्कुल बेस्ट हुई है, इसका जो फेस है वो भी ज़बरदस्त है, आई थिंक ये इज इनफ। सही अम्मी, और यहाँ कुछ और ऐड करें इसमें, गर्म मसाला, थोड़ा सा गर्म मसाला डल गया। अच्छा, और बस आई थिंक इनफ है ना,
ओके गाइस, मसाले जो है वो, अरे अदरक लहसुन नहीं डाला, मेन चीज देखो यार, मेन चीज अदरक लहसुन तो डाली ही नहीं। चलो जी, अदरक लहसुन ऐड हो चुका है, थोड़ा सा और डाल देता हूँ, बस बहुत है। ओके ये भी डालो, डालो ना डालो, ही खत्म हो जाएगी ना इससे। ओके जी, अदरक लहसुन ऐड हो चुका है एंड फाइनली इट्स डन सेटिंग गाइस। अब जो अगला मरहला होगा वो मेरा लुक चेंज होगा, क्योंकि अब मैं जाऊंगा शावर लेने के लिए, बहुत ज्यादा गोश्त और बस गोश्त अदरक लहसुन आ रहा है और मुझे लग रहा है कि जैसे मैं क्या मैं बताऊं। चलो छोड़ो, थैंक यू, स्टे ट्यून्ड, अब मिलते हैं बारबेक्यू जब करेंगे उसमें। जी गाइस, सो बारबेक्यू हमारा जो प्लान था वो उसका आगाज हो रहा है और हमारे साथ है गेस्ट एंट्री। यार एक तो बंदा कुछ बनाना शुरू करे, पता नहीं खुशबू से लोग कैसे आ जाते हैं। इत्तफाकी प्लान है और गैस नहीं है भाई घर में, क्या करें, कोई ऑप्शन नहीं है, तो गैस का सिलेंडर रखा हुआ है, इस पे कोयले गर्म करके लगाएंगे। बिल्कुल ही देसी स्टाइल। हाँ भाई, कैसा मसाला? टेंटेड है, बुराई कर दो। जी गाइस, सो फाइनली वी आर डन विद द डे एंड मेहमान जो है वो हॉस्टल समझ के खाके जा चुके हैं। नहीं बेचारे बहुत ऐसे नमनाल बहुत स्लीपी हुए थे, वो बस एक्सीडेंटल हमारा प्लान था, मैंने उनको भी इनवाइट कर लिया, बट इट वाज फन। एंड अचानक वाले जो प्लान होते हैं ना, वो पता नहीं क्यों हर चीज जो है ना, जब आप अचानक प्लान बनाते, जब प्लान करके करो तो हर चीज जो है वो मिसमैनेज हो जाती है, लेकिन जब अचानक करें तो पता नहीं क्यों हर चीज जो है वो बहुत प्रॉपर्ली जाती है। बट इट वॉज अ गुड डे, इट वॉज अ फन डे, मजा आया एंड थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। और अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय।